अब सुल्तानपुर से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मल्लिका संजय गांधी ने अपने 10 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन 9 जनसभाओं को संबोधित किया। श्रीमती गांधी ने नौगांव, रायतासी, सरकौरा, बहुबरा, मऊ, समर्थपुर, मोहली में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं सांसद नहीं आपकी मददगार बनकर आई हूँ। लोकतंत्र की असली मालिक जनता होती है, सांसद आपका सेवक होता है। मैंने हमेशा सेवा की राजनीति की है। मेरे मिशन आपकी जिंदगी को बेहतर व खुशहाल बनाना है। बताते चले कि आगे उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। मैंने सुल्तानपुर को हमेशा सौगात दी है। मैंने सुल्तानपुर को 110 दिव्यांगों को मोटर साइकिल की है। इसके अलावा हजारों दिव्यांगजनों को उनके जरूरत के सहायक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। जो मैंने किया है और जो मैं करना चाहती हूँ वो है एक एक की रक्षा। मैं चाहती हूँ कि आप कभी अपने आप को अकेले महसूस ना करें। मैं जब भी आती हूँ हर 15 दिन 3 दिन रहती हूँ। उन 3 दिनों में 200, 300, 500 लोग रोज आते हैं, 7 बजे से 10 बजे तक। किसी का लेखपाल सुन नहीं रहा है, किसी को पुलिस वाले नहीं सुन रहे, किसी की लड़की चली गई, किसी ने बैंक का लोन लिया है और मुश्किल हो रहा है वापस देने में, कोई बीमार है कैंसर के और पैसे नहीं है, किसी को मुद्रा लोन चाहिए। जब मैं आई थी तो एक भी मुद्रा लोन नहीं दिया गया था, अब 1 लाख से ज्यादा। अब कोई आता है कि बिजली का बिल ज्यादा हो गया है, तो कोई आता है कि किसान निधि नहीं मिला, कोई आता है कि पेंशन नहीं मिला। आज सुबह बच्चे आए कि हमको अप्रेंटिस की निधि नहीं मिली। ये सब काम मेरे पास आते हैं और सब कामों का समाधान माँ जैसे घर में सबको रखना चाहती है खुश, मैं वही काम करती हूँ। मैंने आज तक कभी पूछा नहीं किसने मुझे वोट दिया, कौन वोट देने वाला है, कौन किस जात का है, कौन किस कौम का है। एक ही सवाल पूछते हैं, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ। और जब भी वो बोलते हैं कि ये है हमारे ऐसी मुसीबत है, तो ये मुसीबत का समाधान अगर उस वक्त हो सकता है तो उसी वक्त होता है, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर होता है। अगर कोई आकर के ऐसे तय किया जाता है वो 20 गज भी बनाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं किसी को भेजती हूँ देखने के लिए कि उसने बनाया कि नहीं बनाया। रोज अगर लेखपाल आपको तंग कर रहा है तो या तो लेखपाल जाता है क्षेत्र से या तो काम करने एकदम लग जाता है। हम चाहते हैं कि मालिक आप हैं, महसूस करो कि आप मालिक हैं, और जब तक आपको ये महसूस नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी मदद करती रहूंगी आपकी ताकत बढ़ाने के लिए। अब ये इलेक्शन जो आ रहा है इसमें आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको एक सेवक चाहिए या आप बिरादरीवाद या कौमवाद करेंगे। अगर आपको एक सेवक चाहिए ये सांसद के रूप में, तो मैं बहुत प्यार से सेवक क्या माँ बन करके आई हूँ और रहूँगी। मैं और लंबा ना बोल करके इतना ही कहना चाहती हूँ, इन 5 सालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद की है। उन जब भी मैं आती थी झंडा लहराता, हम लोगों ने माहौल बदला है। जहाँ एक भी बस नहीं चलती थी, धनपतगंज, बंधुआ कलान, शिवगढ़, 3 थाने मैंने 10-10 करोड़ रुपए में लगाए। आप चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल का स्थान बन जाए, सुल्तानपुर में 6 करोड़ रुपए डाल करके वहां भी बनाया। आपने कहा था कि इसौली में सरकारी बसें चले, अब बस चलती है कि नहीं चलती है सरकारी। आपने कहा था कि रेल का इंतजाम करो ट्रेनों का, आपकी 3 ट्रेन अब बम्बई जाते हैं, अनगिनत जाते हैं दिल्ली को। उससे ज्यादा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मांग की और हमारे दोनों रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर आएंगे लमुआ के, सुल्तानपुर के। आपने कहा था केवीके लगाओ, तो केवीके हमने आपके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए लगाया सुरेश नगर में। अकेले हम जिला है पूरे देश में जहां 2 केवीके हैं। लिए माहौल बदलूंगी, काम तो करूंगी ही, लेकिन उससे ज्यादा एक माँ की तरह रखूंगी। माँ का मतलब क्या है, ये जो शब्द है ये कोई भी माँ, हम लोग सब माँ हैं। हम क्या चाहते हैं जिंदगी से, हम चाहते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर सज जाए और उसके अंदर रहने वाले लोग वो खुश रहे, यही तो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि पूरा सुल्तानपुर चमके, उसके लिए हर 15 दिन
पांच साल के लिए हर 15 दिन में एक नई सौगात लाई। आपने सड़कें मांगी, सड़कों का बिल पहुंचाया। सतारी झील की सफाई मांगी, वो भी हो गया। आपने चाहा कि ये बिजली के तारे बदले।